प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं आज हम 12 फरवरी के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले लव टिप के बारे में बात करते हैं। अगर आपके रिश्तों में आ रही है दरार बार बार, पहले रिश्ते बहुत अच्छे थे अब खराब हो गए हैं, बिना वजह आपको लगता है कि आपका पार्टनर बदल गया है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद रुमाल लेना है, उसमें 3 चम्मच दही डालना है और उसको गांठ बांध देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि उसमें जब गांठ बांधेंगे उस कपड़े को, तो दिमाग में रखिए कि जितनी भी दिक्कत आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आप उसको बांध रहे हैं और उसको बाद में आपको जल प्रवाह कर देना है। और आप देखेंगे कुछ देर बाद आपके रिलेशनशिप में आ रही दरार जो है बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब शुरू करते हैं टैरो राशिफल, बात करते हैं 12 फरवरी के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी कि एरीज राशि वालों, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। धोखे के चांसेस आज बन रहे हैं, आज आपका दिन उदास, मन उदास हो सकता है, कोई पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी बुराई आज आपके पीठ पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज खासकर थोड़ा ध्यान से रहिए, पैसों की लेन देन बिल्कुल नहीं करनी, किसी पर विश्वास आज नहीं करना है और किसी के बारे में बुरी बात भी नहीं करनी क्योंकि आप भी पकड़े जाएंगे, तो आपको क्या करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। जितना हो सके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करें, जिस भगवान पे आपका विश्वास है उनके आगे 5 मिनट बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तिलक लगाएं, उनकी पूजा करें और फिर ही दिन की शुरुआत करें ताकि आपके विघ्न जो हैं आज खत्म हो जाएं। अगली राशि वृषभ राशि, आपके बारे में टॉरस बात करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड, आपके लिए दिन अच्छा है, नई शुरुआत का दिन है, काम बनेंगे, बड़े काम आज हो सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, जॉब नई मिलने के लिए, नए रिश्ते जुड़ने के लिए आज दिन खासकर काफ़ी अच्छा है। आज आपको क्या करना है, आज के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जेमिनाइज आपके बारे में बात करते हैं। अगर मिथुन राशि वालों, 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग में आज काफ़ी बोझ रहेगा, एक प्रेशर सा आप पे क्रिएट होगा, जॉब का प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप का प्रेशर हो सकता है, तो काफ़ी प्रेशर वाली बोझ वाली सिचुएशन रहेगी, मन में आज किसी ना किसी चीज़ का बोझ आपके दिमाग में रहेगा। अगर हो सकता है तो बोझ हल्का कीजिए, किसी से सजेशन लीजिए क्योंकि वो गाइडेंस आपको आज हेल्प कर सकती है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आपने अपने सिर पे उठाई हुई है, अगर आप शेयर करेंगे किसी को बताएंगे तो आपकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। आज के दिन अपने गुरुओं को, जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई असली गुरु भी हो सकता है, उनसे आज गाइडेंस ज़रूर लीजिए, उनको फ़ोन ज़रूर कीजिए, आज आपके दिन में आपका कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो सिचुएशन को बेटर कर देगी। चौथी राशि के बारे में बात करेंगे जो है कर्क यानी कैंसेरियंस, आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड जो कहता है पेशेंस रखिए। आज पेशेंस से बहुत से काम आपके पूरे होंगे, जितनी आप अपने सब्र रखेंगे, सब्र का फल तो वैसे भी मीठा होता है और आपको आज दिखेगा भी, जितना सब्र से काम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करनी है, कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई डील पक्की आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, कोई ऑफर जल्दबाजी में नहीं अपनाना है, टाइम लेना है और तभी आज आपको काम करने हैं। दिन आपका अच्छा है, काम आपके बनेंगे, संध्या काल में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, आपके काम और तेज़ी से संध्या काल के बाद होने शुरू हो जाएंगे। लियो यानी कि सिंह राशि, आपके बारे में बात करें तो आपका कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ समस्या कोई आपके साथ आज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मन थोड़ा सा उदास हो सकता है, आज थोड़ा अकेलापन आपको सताएगा या अकेला रहना चाहेंगे, तो अगर कर सकते हैं तो आज हरी घास पे नंगे पैर 10 मिनट चलें, आपका स्ट्रेस जो है दूर होना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि वर्गो राशि आपके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आपका आया है, हर काम के लिए आज मेहनत लगेगी बट आपका काम पूरा होगा, आज काम बनेंगे बट बिना मेहनत के तो वैसे भी नहीं होते, बट आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन लक थोड़ा कम रहेगा और एफर्ट्स आपको ज़्यादा हर चीज़ में लगाने पड़ेंगे, काम बनेंगे बट मेहनत के साथ बनेंगे। आज आप भगवान गणेश की आरती पूजा करके ही अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। लिब्रा की बात करें अगर हम तुला राशि वालों, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके काम आज बनेंगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, मनी की ग्रोथ हो सकती है, आज आपको लाभ मिलेगा चीज़ों में, बहुत अच्छा दिन रहेगा, जो भी आप पहले भी जिन चीज़ों में मेहनत लगा रहे थे उसका भी आज रिवॉर्ड मिल सकता है। आज घर की शुरुआत में जो घर की एंट्रेंस में घी का दीपक, एक मुखी दीपक ज़रूर जलाएं। वृश्चिक राशि वालों, आपकी खासकर बात करें तो आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है, कोई बड़ी काम आज आपका होने वाला है, जो बहुत देर से लटका हुआ था वो काम हो जाएंगे, रिश्ते सुधार होंगे,
जहाँ बहुत परेशानी, जिस चीज़ ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था, उसका ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा, एकदम से आपको आंसर मिल जाएगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी, बड़े काम हो सकते हैं, बड़ा कोर्ट केस का अच्छा रिजल्ट निकल सकता है, कोई अच्छा लॉयर मिल सकता है प्रॉब्लम में, अगर वहाँ जा रहे थे किसी भी चीज़ में फंसे हुए थे उसमें आज आपको हल मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, आज भगवान जो गणेश हैं उनको 3 दुर्वा आपने अर्पित करनी है। धनु राशि वालों सेजिटेरियस आपकी बात करें तो आपके लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज बहुत अच्छा कार्ड है, नए काम की शुरुआत होगी, नई बिगनिंग हो सकती है, फाइनेंशियली आज गेन हो सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, धन लाभ के कई संयोग आज आपके बनते हुए दिख रहे हैं, दिन आपका अच्छा है, आपको किसी गरीब को आज, किसी जरूरतमंद को आज धन का दान देना है। मकर राशि वालों आपकी बात करें तो आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है, दिन की शुरुआत एकदम बोझ से हो सकती है, परेशानी आज आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है बट वो बढ़ेंगी और फिर खत्म हो जाएंगी, तो शाम के बाद का दिन आपका अच्छा रहेगा, शुरुआत का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, कोई परेशानी की खबरें आपके आसपास चल सकती हैं, रिश्तों में थोड़ी दरार आ सकती है बट शाम के बाद चीज़ें आपकी थोड़ी बेटर हो जाएंगी। जो फर्स्ट हाफ है डे का थोड़ा आपके लिए हैवी भारी रह सकता है, कोशिश कीजिएगा जितना आप आराम से सिचुएशन हैंडल करेंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको क्या करना है, आज आपको खासकर किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा, आज अगर आप एक जो आटे का दान करेंगे वो आपके लिए बहुत फलेगा। कुंभ राशि वालों आपकी बात करें तो एक्वेरियंस आपके लिए हैंग्ड मैन आया है, आज के दिन कोई जिस चीज़ में आपको हल नहीं मिल रहा उसमें हल मिलेगा और बट बहुत देर के बाद मिलेगा, मतलब दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, रात आते आते कुछ चीज़ें बेटर होंगी, तो दिन की शुरुआत कुछ स्ट्रेस से हो सकती है, थोड़ा ब्लॉक आपको लग सकता है, बंधा बंधा महसूस हो सकता है, आपको लगेगा कि आप बाहर निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, वो रिलेशनशिप हो ये करियर हो, तो मन में थोड़ी उदासी वाले ख्याल आएंगे बट शाम के बाद आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आज अपने माँ के या माँ समान जो आपकी ज़िंदगी में, उनके पैर ज़रूर छूएं, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिए क्योंकि यही आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगा। तो दिन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल बट अंत थोड़ा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आखिरी राशि की बात करेंगे, मीन राशि, पाइसेंस आपके लिए क्या कार्ड कहते हैं, पाइसेंस आपके लिए कार्ड कहते हैं 4 ऑफ वांड्स, तो कोई शादी की बातचीत पक्की हो सकती है, कोई ऐसे समारोह में जा सकते हैं, कोई ऐसा आज आपको इन्विटेशन आ सकता है, कोई पार्टी में जा सकते हैं, आज का दिन अच्छा दिख रहा है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, तो दोस्तों संग बैठ सकते हैं, अपनों संग बैठ सकते हैं, दिन आपका सेलिब्रेशन वाला है, कोई बड़ी चीज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेजिंग, कोई बड़ा व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे तो आज का दिन उत्तम दिख रहा है। आपको आज क्या करना है, आज आपको अगर हो सके तो भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने हैं। ये था टैरो राशिफल मेष से मीन राशि के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एस्ट्रो तक से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।